ठीक है तो दैट्स माय ऑब्जेक्टिव लेट्स गेट स्टार्टेड एक मिनट देना है ना यू कैन कीप मेकिंग नोट्स कीप राइटिंग डाउन वेर एवर यू वॉन्ट है ना चलो तो तो स्टार्ट करते फर्स्ट थिंग फर्स्ट रीडिंग गाइडेंस ओके आई होप यू हैव योर लैपटॉप और मोबाइल विथ यू तो यू कैन चेक अ फ्यू थिंग्स ओके एज वी डिस्कस और यू कैन डू दैट लेटर अभी नोट्स भी बना सकते हो हाय अनिशा स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग फर्स्ट पार्ट ऑफ द सेशन रीडिंग एजेंडा के साथ ठीक है रीडिंग गाइडेंस के साथ तो देखो फर्स्ट थिंग फर्स्ट इज वेयर टू रीड फ्रॉम नाउ मोस्ट ऑफ यू हैव बीन इन्फॉर्म्ड अबाउट इट बट देर इज समथिंग विच आई वॉन्ट टू टॉक अबाउट सबको जरूरी नहीं है कि एग्जैक्टली exactly ये क्लैरिटी हो सबसे पहला ना आपका एक रीडिंग क्लब आर्टिकल आता है जैसे आज तो मैंने पर्टिकुलरली एडुकेशन पे शेयर किया है डब्ल्यू एच ओ का आर्टिकल है है ना तो ये रीडिंग क्लब आर्टिकल जो होता है ना गाइज ये वेरी रेलिवेंट आर्टिकल्स ठीक है कैट रेलिवेंट रीडिंग इज अ मिक्स ऑफ कॉन्टेम्प्रेरी रीडिंग मतलब लेटेस्ट ट्रेंड्स

अभी चैट में इंटरेक्ट करेंगे ठीक है टेल मी यस इफ यू हैव नोटेड या गॉट इट या तुम कर रहे हो एक बार रिप्लाई कर दो यस देर आर फ्यू थिंग्स विच यू नीड टू नो कि कैसे एक्सेस करना है ये आर्टिकल तो मैं सेंड करता हूं तो सिंपली उसको क्लिक करके ट्राई करना है कि डेली पढ़े यस एवरीवन गॉट इट Okay. Look at point number two now. Just give me a minute. Uh, am I audible, guys? Please confirm.

इफ यू गो टू दी फैक्ट्री एप नो अगर आपके पास अभी आप, ए, आ, आप है ना तो आप एक बार अभी जाकर देख सकते हो बी फैक्ट्री एप में है ना आ, एक बार हम सब दो तो किसके किसके पास अभी ऐप है देख सकते हो आई जस्ट इन्फॉर्म वेरी इंपॉर्टेंट शालिनी नीलम साहब के पास है ठीक है एक बार ऐप पे क्लिक करो करोगे जिनके पास नहीं है ना नोट करना ठीक है ऐप पे जब क्लिक करोगे ना तो लेफ्ट साइड में यू गेट थ्री लाइन लेफ्ट साइड टॉप में उस पर क्लिक करोगे तो एक सेक्शन आता है जिसको स्टडी uh, मटेरियल नाम दिया हुआ है यू विल गेट अ सेक्शन लेफ्ट साइड टॉप पे क्लिक करने पे स्टडी मटेरियल एक बार देखो तुमको वो मिला ठीक है स्टडी मटेरियल में जब तुम जाओगे ना तो उसमें एक एक फोल्डर दिखेगा कैट प्लस अदर एमबीए विथ आई एम ए एक बार उस फोल्डर पे जाओ कैट प्लस अदर एमबीए विथ आई एम ए ओके ठीक है उस पर क्लिक करो उसके अंदर में यू विल गेट अ फोल्डर कैट सजेस्टेड रीडिंग cat suggested reading एक बार वहां तक पहुंचो सो आई एम रिपीटिंग वंस अगेन अपन uh, से स्टार्ट किए थे स्टडी uh, मटेरियल में गए है ना स्टडी मटेरियल के अंदर में कैट प्लस अदर एमबीए वाले फोल्डर में गए उसके अंदर में कैट सजेस्टेड रीडिंग में गए ठीक है उसके अंदर डे वाइज पीडीएफ मिलेंगे डे वाइज पीडीएफ ऑल राइट जस्ट वंस एनी वन से क्लिक ऑन डे थर्टी क्लिक ऑन डे थर्टी वॉट यू विल सी इज एक आर्टिकल गिवेन है एक्सपेक्टेड रीडिंग टाइम भी है तो ना शुरू के कुछ आर्टिकल्स में एक्सपेक्टेड रीडिंग टाइम नहीं है बट लेटर वाले जो डे थर्टी है क्लोजर है ना सेकंड हाफ ऑफ द आर्टिकल्स में टाइम भी, भी मैंशन है ये थर्टी आर्टिकल्स मे बी ये भी ट्राई करना है अपार्ट फ्रॉम जो डेली रीडिंग में बहुत रीडिंग करनी होती है मतलब तो जरूरी नहीं, नहीं है ना कि डेली सब कुछ करें बट ये थर्टी को कंप्लीट करना है तो वन एवरी डे टाइप करके टू थ्री मंथ्स में क्योंकि डेली रीडिंग वाला भी करना है राइट right? ये पार्ट खत्म हो जाना चाहिए तुमको पता है इससे क्या फायदा होगा यू विल स्टार्ट थिंकिंग लाइक अ कैट रीडिंग एक्सपर्ट है ना कि ओके दीज आर द टाइप ऑफ टॉपिक्स दैट आई नीड टू कंफर्टेबल विथ एक बार कितने लोग को समझ में आ गया गॉटेड लिखो तो यू हैव टू राइट डाउन जिसको समझ में आया राइट डाउन गॉटेट इन चैट आकांक्षा गॉटेड नीलम गॉटेड वेरी गुड शालिनी को भी मिल गया तुषार नो नो री रीडिंग क्लब इज नॉट एन ऐप तुषार रीडिंग क्लब इज अ टेलीग्राम ग्रुप आर यू एडिक टू इट प्रियंका मैम इन्फॉर्म करती है नो ओके ऑल राइट सो वो गो टू द इंस्टीट्यूट ना ठीक है और पिंग गजेंद्र सर टूमोरो फिर आज प्रियंका मैम ठीक है कल आज इंस्टीट्यूट ऑफ ऑफलाइन क्लोज होगा तो आई एम जस्ट गिविंग यू नंबर अगर एडिट नहीं हो तो बात करके इसमें गेट एडिट डेली एक आर्टिकल शेयर होता है ठीक है एप वाला मिल गया तुषार एप वाला मिल गया डेली आर्टिकल्स गुड ओके सो दिस वाज़ द सेकंड पार्ट नाउ गिव मी अ मिनट आई विल इनफॉर्म यू अबाउट द थर्ड पार्ट जस्ट अ मिनट एक मिनट वेट करो ऑलराइट लेट्स लेट लेट देर इज अनदर पार्ट विच आई वांट यू टू स्टडी बट वी कैन लीव इट फॉर टुडे पहले क्योंकि इतना दोनों से रेगुलर स्टार्ट करते हैं ना uh, Okay, so uh, let me sum it up. You know? uh, the daily articles which come on the Telegram group do that, and also, this you know, 1 to 30 you will know, try to cover in the next coming two months. Okay, uh, the end of the uh, whole exercise uh, the idea is to get very well acquainted with cat type reading. You know? uh, the, the, the third resource that I was talking about that is related to the website uh, that is more on RC front, uh, we'll come to it later. Okay. फर्स्ट पार्ट गाइडेंस ऑन वे to रीड फ्रॉम ठीक है क्या पढ़ो ठीक है तो जो हम लोग जो जो बता रहे ना वो गाइडेड है मोर रेलिवेंट है उसको पढ़ो दैट विल बी फार बेटर हाँ एक और चीज है आई होप यू हैव दिख यू राइट नाउ तो लेट मी अगेन शेयर जस्ट गि मिनट एक मिनट दो ये ना यू uh, अपार्ट फ्रॉम रीडिंग ना थोड़ा सा ना ये लिटिल बिट ऑफ रीडिंग से तो कंटेक्सुअली वर्ड आप सीखते ही हो बट यू वर्ड का लर्निंग होता है डे तो टेस्ट होता है ठीक है यह आपके एप आप में होता है एक बार मैं फिर लिख दे रहा हूं इनकेसमन इज नॉट सीन एक बार वो देख लो सेम जगह पे जहां पर आप गए थे ना स्टडी मटेरियल जहां पे था वहीं पर आप में यू विल गेट फ्री टेस्ट और उसके अंदर जाओगे ना तो आपको वर्ड डे टेस्ट मिलेगा एक बार देख के बताओ तो गॉट इट ये डेली वन मिनट भी नहीं लगेगा एक्चुअली टू मिनट का टेस्ट टाइम दिया रहता है बट ये डेली एक बार जाने का है करने का है सिंपल एक बार चेक करके बताओ डिड यू गेट इट सेम जगह पे जहां स्टडी मटेरियल था वहां पे तुम देखो तुमको फ्री टेस्ट दिख रहा है शालिनी गॉट इट गुड सब लोग देख के बताओ उसमें डे वाइज टेस्ट दिखेंगे तुषार नीलम गॉर्ड गो टू द ऐप तुषार गो टू ऐप बी फैक्ट्री ऐप ओके उसमें थ्री लाइंस तो जहां पे ऑन लेफ्ट कॉर्नर टॉप उस पर क्लिक करोगे तो उसमे फ्री टेस्ट एक सेक्शन आएगा उसमें जाओगे तो डे वाइज टेस्ट मिलेगा बी फैक्ट्री आप में किसको किसको मिल गया नीलम शालिनी ओके आकांक्षा तुषार एक बार बताओ देखो आकांक्षा तुषार गॉट इट

रीडिंग गाइडेंस पार्ट की कैसे करने का है, ठीक है नाउ विल गो टू अट ऑफ रीडिंग प्रैक्टिस आर वी रेडी फर्स्ट पार्ट क्लियर रीडिंग प्रैक्टिस शुरू करें एवरी वन यस ओके तो रीडिंग प्रैक्टिस में क्या करना है मैं सिंपल इंस्ट्रक् केयरफुली लेसन टू द इंस्ट्रक्शन ओके इट्स एन एक्टिविटी ऑल राइट तो एक्टिविटीज आर टोटली इंस्ट्रक्शन बेस्ड ठीक तो जो इंस्ट्रक्शन है अकॉर्डिंगली यू हैव टू एग्जीक्यूट द एक्टिविटी फर्स्ट एक्टिविटी में आई विल शेयर अ स्मॉल आर्टिकल ऑल राइट ठीक है उसको रीड करोगे है ना एंड सिंपल आपको उसके एंड में उसका सेंट्रल आइडिया लिखना है ऑल राइट वन लाइन ओनली कंडीशन इज वन लाइन रिमेंबर प्रॉपर सेंटेंस फॉर्मेशन इज नॉट द टास्क राइट आकांक्षा जरूरी नहीं है कि बहुत अच्छा सेंटेंस बनाए छोटा लाइन बनाना है मैक्सिमम टेन वर्ड्स बेसिकली थीम लिखना है एक लाइन में पढ़ के ओके प्रॉपर लाइन बनाने की जगह बेस्ट कैप्चर बेस्ट कैप्चर द मेन थीम इन वन रीडिंग इट इज अ simple sounding but very relevant skill neelam getting the point Tushar, you have to read the whole and write a line that is the first activity for today take care so uh, just give me a minute i'll i'll, I'll share on the batch uh, whatsapp group and uh, i would want एवरी वन अपने 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 कॉपी में सिंपल टू टू थ्री मिनट्स टाइम लेके एक लाइन का थीम लिखना है ठीक थ्री मिनट्स के बाद ही मैं डिस्कशन स्टार्ट करूंगा तो उसके पहले जल्दी करके भी फायदा नहीं है अच्छे से करना है ठीक है एक मिनट दो Got it, Neelam? Para, mil gaya. Thumbs up, de do If got it, anyone? Yes. Okay. So in your copy, very good, everyone. Write down one line central idea, which is main theme. Okay. After three minutes. डिस्कशन विल बिगिन उसके पहले नहीं तो अच्छे से करो स्टार्ट Alright, uh, time is up. Are we done? Give a thumbs up de do if you are done.

actually, let's start then. now, just uh, what we will do now, i'll This is what many times we'll be doing in your preparation journey. the idea is to think and understand how to, you know, uh, build an expert-like process in reading, particularly for cats and exams. so, observe how i am approaching this and uh, then we will discuss the central idea. the painter, so when i start reading, i try to focus on identifying the subject. that is my first focus. and then the predicate, what about the subject. so i break in my mind, this will come at, uh, at the entry. and this is something which i feel that i will comment. एट दाउ आई स्ट्रक्चर ओके तो दिस इज ऑब्जेक्टिव बेस्ड रीडिंग ऑब्जेक्टिव रीडिंग पढ़ते समय हर पैराग्राफ जो जैसे आरसी है ना ये तो छोटा सा था ना एक पूरा आरसी है सपोज तो उसमें क्या करेंगे दो तीन बार ऐसा कर लेंगे मेबी पैराग्राफ वाइज कर लेंगे एट द टाइम ऑफ एंट्री आई लुक फॉर द सब्जेक्ट At the time of exit, I comment on the subject. What is, what is a predicate? If you remember your school classes, uh, sentence can be divided into subject and predicate. Subject is about whom we are studying, and predicate is what about it. What about it? Right? So, very simple, objective based reading. Painter is free to paint anything he chooses. There are scarcely any forbidden, but restricted objects. Everybody is prepared to admit a painting of fruit can be as important as that of a hero. Okay. The Impressionists indeed, as much as anybody to win this previously unheard freedom for the artist. Yet, by the next generation, painters began to ab abandon the subject altogether and started painting abstract pictures. Today, the majority of pictures painted are abstract. So, what are we talking about? If mainly we, talk about, so we are talking about painters' choices, ऐसे मैं सब्जेक्ट आइडेंटिफाई करता हूँ क्यों बिकॉज़ माय माइंड थिंक्स ओनली लाइक दैट कि पढ़ते समय ना खोजना है कि क्या चीज के बारे में पढ़ रहे पेंटर वुड हैव बीन वेग मोर पर्टिकुलरली वी आर टॉकिंग अबाउट द काइंड ऑफ चॉइसेस दैट पेंटर्स मेक राइट ओके सेकंड पैराग्राफ के बाद मैं प्रेडिकेट पे कमेंट करूंगा देखना इस तरह कनेक्शन बिटवीन दीस टू डेवलपमेंट द फैक्ट दैट अर्लियर एनीथिंग कुड बी इंपॉर्टेंट

it would take long to answer these questions properly. i believe there's a connection. many things have encouraged the development of abstract art. among those have been artists who wish to avoid the difficulties of finding subjects when all subjects are equally, equally possible. so painters' choices, agamaluk, what about it. so abstract art, ka development. abstract art, development. logic discuss या राशनील का डिस्कशन हुआ है क्लोजर तो नहीं किया है बोला है कि हो सकता है लोग को सब्जेक्ट नहीं मिल रहा इसलिए किया हो या हो सकता है लोग मैक्सिमम फ्रीडम सीख कर रहा हो डिस्कशन तो वही है ना सो अकॉर्डिंग टू मी द सेंट्रल आइडिया ऑफ दिस पैस रीडिंग इज पेंटर्स चॉइसेस एबस्ट्रैक्ट आर्ट डेवलपमेंट राशनील डिस्कशन इसका थोड़ा लेफ्ट थोड़ा राइट right, बट तुम्हारा वो भी चलेगा है ना

ट आई डिड वॉज आई टॉक मोर अबाउट की दिस पैराग्राफ इज अट अबाउट आर्ट डेवलपमेंट चेंजेस करेक्ट एबस्ट्रैक्ट आर्ट सेकेंड पैराग्राफ अगर तुम देखोगे तो सेकंड पैराग्राफ तो मोस्टली अबाउट एब्सट्रैक्ट आर्ट है ना तो उसको थोड़ा सा मैंशन कर दे दो ज्यादा और एक्ट हो जाएगा इज इज क्लियर यस और लोग बताओ और लोग बताओ डिड यू अंडरस्टैंड ऑब्जेक्टिव बेस्ड रीडिंग नहीं आकांक्षा नहीं समझ में देखो आई से ना ऑब्जेक्टिव बेस्ड रीडिंग इसका मतलब होता है ना कि पूरा पढ़ के कैन यू फाइंड द थीम ओके तो थीम को अगर हम लोग लॉजिकली सोचे कि पहले सब्जेक्ट पकड़ेंगे एंड देन प्रेडिकेट तो कर सकते हैं डोंट यू थिंक सब्जेक्ट हेर इज पेंटिंग का चॉइसेस या पेंटर्स का चॉइसेस ये पहला पार्ट बतावे आकांक्षा क्योंकि तो पहला पैराग्राफ पढ़ के देखो ना पेंटर इज फ्री टू चूज वी वॉन्ट्स यस हीरो डाइंग से लेके कोई फ्रूट का पेंटिंग एंड ये भी लिखा है कि ओवर टाइम uh, पहले के पेंटर्स कुछ करते थे अब के पेंटर्स एब्सट्रैक्ट हो गए वॉट अबाउट पेंटर्स चॉइसिस वॉट अबाउट इट प्रेडिकेट का मतलब होता है एक्जेप पूरा पढ़ लिया ना तो ये जो ये चीज ध्यान से देखो आकांक्षा पेंटर्स चॉइसेस तो पहले ही लाइन से पकड़ा जाता ना तो जनरली ना फर्स्ट वन टू लाइन में ही पकड़ा जाता है कि सब्जेक्ट क्या है

तो इसका मतलब सेकेंड पैराग्राफ में पेंटर्स चॉइसेस के बारे में क्या बता रहा है एब्स्ट्रैक्ट आर्ट का जो डायरेक्शन है ना कैन बी बिकॉज ऑफ आइदर फ्रीडम और इट कैन ऑल्सो बी बिकॉज ऑफ सब्जेक्ट आइडेंटिफिकेशन में डिफिकल्टी देखो तो एक बार फिर से पढ़ के देखो तो यही है ना सेकेंड पैरा में आर्ट क्यों एब्सट्रैक्ट चला गया यही है ना तो इस पूरे को तो लेट मी समिट अप मोर विद मोर क्लैरिटी फॉर ऑल ऑफ यू सी एक बार मैं लिखता हूं चलो एंड मेरे को कौन बताएगा मेरे को नीलम बताएगी नीलम आर यू देर एक बार रिप्लाई करो यस ओके नीलम तुम मेरे को ये बताओ जो अभी मैंने चीजें सिखाई ना मैं उसको एक बार एक डायग्राम में बना रहा हूँ तुम बताना तुमको क्लियर हुआ कि नहीं हाउ टू रीड we are learning right hai you na know? so what i am saying na objective based reading karna chahiye objective based reading theek hai to let's say ek rc aaya theek us rc mein suppose three paragraphs hai para 1 para 2 para 3 to sabse simple objective kya hoga तीनों paragraph का central idea निकाल लेते हैं तो theme पकड़ा जाएगा ना नीलम यहां तक clear एक थम्स अप मारो जल्दी से इफ आप तक बात क्लियर आर वेरी गुड तीन पैराग्राफ अगर है तो वी विल फाइंड आउट द सेंट्रल ऑफ ईच पैराग्राफ राइट वॉट इज हाउ डू बी रीड ऑब्जेक्टिव बेस्ड यू आर यू स्टार्ट अ पैराग्राफ है ट्राई टू आइडेंटिफाई द सब्जेक्ट एंड देन इन द एंड कॉमेंट ऑन द सब्जेक्ट यू वॉट अबाउट इट दिस कॉमेंट ट्राई टू बी वेरी स्पेसिफिक यही स्किल है इसी तरीके से तीनों पैराग्राफ करना है डिड यू अंडरस्टैंड दिस पार्ट दैट वी शुड बी वेरी एज स्पेसिफिक एज पॉसिबल ऑन द कॉमेंट दैट इज द प्रेडिकेट सब लोग बताओ एक बार नीलम शालिनी तुषार आकांक्षा इज द लॉजिक क्लियर गुड आकांक्षा और लोग बताओ Very good, Neelam, Shalini, Tushar, getting it, every paragraph find the theme, when starting only try to identify what are we reading about and what about it and try to capture the whole thing in one line, theek hai. So, वेरी गुड गुड तो जो जब तुम लोग गाइज अब मैंने स्टार्ट क्या किया था पहला पार्ट में स्टार्ट हमने किया था ना आ रीडिंग कहाँ से करनी है तो जब तुम वो रीडिंग भी कर रहे हो ना जो डेली रीडिंग के लिए सजेस्ट किया ना है ना जो सजेस्टेड डेली रीडिंग है उसको भी सेम तरीके से थीम बेस्ड ऑब्जेक्टिव रीडिंग करना है ठीक है अगर तुम ऐसा करोगे यू विल बिकम फार शार्पर एंड बेटर देन योर कॉम्पिटिशन है ना सो कीप दिस इन माइंड जस्ट रीडिंग इज नॉट इनफ एंड वन मोर पॉइंट ओके नेजुअल रीडिंग यू अंडरस्टैंड वट वैजुअल रीडिंग कभी कभी मैं देखता न, कुछ, कुछ बच्चे बोलते हैं हाँ सर पढ़ते हैं बट वो कैसे पढ़ते पर ध्यान नहीं देते ऐसा नहीं कि स्लो पढ़ रहे हैं या लेट के पढ़ रहे हैं या सोते सोते नींद आ रहा है पढ़ रहे हैं कम भी पढ़ो टेन टू ट्वेंटी मिनट्स डेली पढ़ो चलेगा लेकिन टू थिंग्स इंपॉर्टेंट ओके आई एल टेल यू टू बिकम एकदम लाइक एन एक्सपर्ट टेन टू ट्वेंटी मिनट्स भी चलेगा ठीक है बट डेली होना चाहिए और टू नॉन कैजुअल रीडिंग होना चाहिए नॉन कैजुअल रीडिंग मतलब थीम बेस्ड Uh, sorry, am I audible, Labi? Tushar, am I audible? Please confirm. Okay. Uh, did, did the two points that I sent, were, were those sent? Can you see? The first point, two things I am saying, when you are doing your daily reading, no, 10 minutes will also do, minimum.

आप कर भी रहे हो डेली और फायदा भी नहीं हो रहा वाली बात हो जाती है ये सिंपल चीजों को ध्यान में रखना है बैठ के पढ़ना है फ्रेश माइंड में पढ़ना है जब फ्रेश रहता है माइंड और थीम निकाल के पढ़ना है ठीक है कौन रिप्लाई नहीं किया शालिनी नहीं कहा हो शालिनी कैन यू हेयर ऑल राइट वेरी गुड गोट इट नाउ एवरी वन लेट्स मूव टू दर्ड पार्ट ऑफ टूडेज एजेंडा आई होप ये सब चीजें ध्यान रखेंगे और रोज रेगुलर रीडिंग करेंगे अपन आप है ना पार्ट थ्री इज अगेन

उनका सेंट्रल आइडियाज लिखोगे अपने कॉपी में एग्जैक्ट होना जरूरी नहीं है मोरलेस चलेगा बट ट्राई टू बी स्पेसिफिक ओके सेंट्रल आइडियाज राइट करके रीडिंग करोगे ठीक है दैट इज स्टेप स्टेप नंबर देन आर उसको अटेम्प्ट करोगे ठीक है ना वन थिंग आई एम टेलिंग यू ट्राई टू बी एक्यूरेट ओके एलिमिनेशन का फ्रेमवर्क कभी हम लोग आज डिस्कस नहीं कर रहे हैं बट ट्राई टू बी एक्यूरेट का मतलब इफ नॉट श्योर अगर तुम नहीं हो रहे हो तो सर्कल मोर देन वन आंसर मे बी सर्कल टू इफ नॉट श्योर हो सकता है ना दो में कंफ्यूज हो तो एटलीस्ट इतना पता चलेगा कि कब श्योर है कब नहीं ये सब सोचना बहुत जरूरी होता है स्टार्ट से ठीक है डोंट मार्क विथ श्योरिटी अगर कंफ्यूज हो तो ट्राई टू थिंक वेल एंड डीप राइट आई विल शेयर दी विथ यू एंड मी चेक आई गिव यू फिफ्टीन मिनट्स

is the screen visible guys yes all right so look at uh, the paragraph wise analysis a game of strategy uh, in game theory is a situation where people make choices among alternatives and what is the total result of uh, the choices that determines what's the outcome of the game and different players have different uh, uh, preferences order Interests of the players are generally in conflict, uh, whether uh, partly or uh, uh, totally opposed. It that depends on the type of the game. So, game. What are we talking about? Central idea one. We are talking about game of strategy. Uh, it depends on choices, interests of players, which might be a full or partial conflict. That is how I capture the.

सिचुएशन किसको बुला रहा है देर इज अ कंफ्यूजन की वेदर टू कम्पीट और कोऑपरेट क्यों क्योंकि पार्शली लग रहा है कि करना चाहिए कंपीट पार्शली लग रहा है कि करना चाहिए कोऑपरेट इनर कॉन्फ्लिक्ट इसी को बोलेंगे ना जो खुद ही श्योर नहीं है सो दिस इज वॉट द सेकेंड पैराग्राफ इज टॉकिंग अबाउट इज एवरी वन एबल टू अंडरस्टैंड that we are able to precisely in one line capture the theme of paragraphs are we getting this according to the author such inner conflict situations are psychologically interesting कोई भी एक जन रिप्लाई कर दो नोट कर लो और बताओ आगे बढ़े okay let's go to the third para internal conflicts are always more interesting because and they are also part uh, they are also part of serious literature because central figures have in, inner conflict okay superficial adv adventure stories their external conflicts right that is threats to people from external adversaries or obstacles. But such external conflict, according to the author, is psychologically empty. Because if, let's say, there is a war between good and evil, so you support the good or you support the evil, you are not confused, right? It depends, it's very uh, superficial, according to the author. Okay. So, juvenile, uh, baby tales are said. So, what is the author saying in this paragraph, this third paragraph, that इंटरनल कॉन्फ्लेक्ट आर मोर इंटरेस्टिंग एक्सटर्नल व्यूबेनाइल बेबी लेवल का होता है कुछ उसमें खास नहीं रहता दैट इज बैरा नंबर थ्री ओके गो टू पैरा नंबर फोर इफ यू लिटेक्टिव स्टोरी जो कि थोड़ा एडल्ट वर्जन ऑफ स्टोरीज होता है तो उसमें इंटेलेक्चुअलाइज कॉन्फ्लिक्ट होता है एंड क्यों ऑथर के हिसाब से बिकॉज ये छुपाना की सोल्यूशन सॉल्व कैसे होगा विध होल्डिंग मतलब होल्डिंग प्रॉब्लम सॉल्विंग कॉन्फ्लिक्ट नहीं है अगर जो एडवर्सरी है वो पैसिव रहे जैसे ऑथर के हिसाब से साइंटिस्ट क्या करता है लॉजिक लगाता है नेचर का प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है लेकिन अगर एडवर्सरी एक्टिवली ऑबस्टिकल पुट करें देन देर इज जेनविन कॉन्फ्लिक तो यह ऑथर का व्यूज है ना अपना दिमाग नहीं लगाना है तुम्हारा व्यू अलग हो सकता है बट ऑथर का इंटरेस्टिंग होता है सोल्यूशन क्यों? कैसे निकाले ये होल्ड करता है स्टोरी होल्ड बैक करता है राइट एंड एडवर्सरी यानी जो ओपोनेंट है वो ऑब्स्टिकल पुट करता है कैसे इट कंटेन्स इशनल कॉम्पोनेंट लाइक क्रिमिनल कुछ गलती तो नहीं किया एरर ऑन द क्रिमिनल राइट या डिटेक्टिव दिमाग लगा रहा है कि क्रिमिनल का मोटिव क्या होगा राइट right? इन सब चीजों पर दिमाग लगा रहा अगर रैशनल वे में अगर किया जाए ना तो ऑथर के हिसाब से जैसे वो गेम बन जाएगा चेस या टिक टैक टो तो, जिससे मजा नहीं आएगा है ना तो इन शॉर्ट ऑथर कंक्लूड क्या किया है कि प्योर कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट मतलब जिसमें किसी का घाटा तो किसी का फायदा उसमें बहुत सारा प्रॉब्लम बन जाता है लेकिन इंटरेस्टिंग नहीं है डिपार्ट फ्रॉम रेशनलिटी मतलब ऑथर का ओपिनियन अगर तुम पूरे चीज में देखो तो सेंट्रल आइडिया है से लेकर देखो है ऑथर ये कह रहा है कि एक्टिव एडवर्सरी एंड इशनैलिटी लीड्स टू इंटरेस्टिंग साइकोलॉजी एग्जाम्पल्स एग्जाम्पल भी दिया है अदरवाइज वो सिंपल गेम बन जाएगा दिस इज इट डाउन नोट डाउन करो और समझो इस तरीके से करना होता है। एक बार डन या गॉट इट लिखो चैट में ये सेंट्रल आइडिया फोर नोट करने के बाद फिर मैं एक बार ओवरऑल फटाक से सारा सेंट्रल आइडिया रिपीट करके रीडिंग को क्लोज करूंगा इसका बताओ एक बार कमेंट डन और गॉट इट वंस यू हैव रिटर्न इट डाउन All right, मिला। एक बार मैं ना रिपीट करता हूं इसको रन थ्रू करके फर्स्ट पैराग्राफ क्या बता रहा है गेम ऑफ स्ट्रेटेजी चॉइसेस एंड इंटरेस्ट ऑफ प्लेयर्स विच माइट बी इन फुल और पार्शियल कॉन्फ्लिक्ट सेकंड पैराग्राफ क्या बता रहा है अकॉर्डिंग टू द ऑथर साइकोलॉजिकली इंटरेस्टिंग सिचुएशन आर वेन देर इज इनर कॉन्फ्लिक्ट मतलब खुद ही बंदा श्योर नहीं है कि सपोर्ट करना है कि अपोज करना है ओके थर्ड पैराग्राफ क्या बता रहा है ऑथर के हिसाब से इनर आर आर मोर इंटरेस्टिंग बिकॉज एक्सटर्नल बेबी लाइक क्योंकि पता रहता है ना कि बाहर से खतरा है तो उसको सॉल्व करना है इनर वाले में कंफ्यूजन होता है तो ऑथर के हिसाब से वो ज्यादा इंटरेस्टिंग है लास्ट पैराग्राफ फाइनली क्या बता रहा है अगर अपोनेंट एक्टिव हो एडवर्सरी मतलब अपोनेंट एंड अगर इेशनल यानी गलती से गलती होने का चांस रहे तो और इंटरेस्टिंग हो जाता है इसका एग्जाम्पल्स बताया है ना डिटेक्टिव स्टोरीज को लेकर और ये भी बताया है कि अगर वो नहीं होगा तो सिंपल uh, गेम की तरह हो जाएगा uh, उतना इंटरेस्टिंग नहीं लगता ऑथर को वो सब ठीक है अब ये ना देखो वे आई रेड इट फॉर फॉर द फर्स्ट टाइम है ना या, ये ये पैसेज फर्स्ट टाइम बहुत ईजी नहीं लगा था है थाबिट बिल्डिंग की बात है मोर इंपॉर्टेंटली वर्ड वी आर ट्राइंग टू लर्न टूडे इज की ऐसे थीम पकड़ के रीड करना है आई होप वो प्रोसेस तुमको क्लैरिटी के साथ समझ में आ रहा है है ना बिकॉज द प्रोसेस डज नॉट चेंज है ना द मेथड दैट आई एम ट्रेनिंग मेथडिंग ऑन इज समिंग विच यूल इवन टिल द लास्ट डेट ऑन कैप राइट थीम बेस्ड रीडिंग ही करना होता है ओके सो द इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ टूडेज क्लास वॉज रीडिंग बट सिंस वी हैव रेड दिस हैल्सो टेकअप क्वेश्चन एंड आई एल टेक अप डाउट प्रॉब्लम सोलविंग हम लोग बहुत डिटेल में बाद में भी करेंगे तो आज का ऑब्जेक्टिव वो नहीं है लेकिन एक राउंड देखते हैं ना आई एल हेल्प यू आउट कहीं पर डाउट होगा तो बताएंगे पहले मैं आंसर बता रहा हूँ ठीक है uh, फिर जिसको जिसको ना जिसमें डाउट होगा वो पूछोगे कि सर इस क्वेश्चन का ये वाला क्यों नहीं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ आई एक्सप्लेन द आंसर्स ओके इफ यू हैव अ पर्टिकुलर ऑप्शन लाइक यू से कि सर वन का थ्री क्यों नहीं या ऐसे डाउन तो

दे बिकॉज दे फॉर्म अ पार्ट ऑफ लिटरेचर सीरियस लिटरेचर तो वो रीजन थोड़ी है रीजन पूछ रहा बिकॉज पूछ रहा है लिटरेचर में आता है क्योंकि बहुत इंटरेस्टिंग है बट वो रीजन थोड़ी है कॉज एंड इफेक्ट गड़बड़ है ऑप्शन वन में ऑप्शन टू एडल्ट एक्सपीरियंस एक्सटर्नल कॉन्फ्लिक्ट इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट इज मोर वाइडली प्रेविलेंट तो मेरे हिसाब से ये तो रेलिवेंट ही है किसको प्रेविलेंट है या नहीं है वो इंपॉर्टेंट नहीं है नॉट मेंशन भी है कि केवल वल को है ऐसा कुछ नहीं दिया है ठीक है बी तो नॉट मैं ए में नॉट द कॉज ए में तो वो इफेक्ट है ना कि वो इंटरेस्टिंग होता है इसीलिए सीरियस वाले में आता है मे, मेरे थॉट प्रोसेस पे थोड़ा ध्यान देना ना कैसे आई एम एक्सप्लेनिंग थ्री इनर कॉन्फ्लिक्ट में इंडिविजुअल्स को डिलेमा यानी आपस में ही कंफ्यूजन हो खुद में कंफ्यूजन होता है कि फेवर में है अगेंस्ट दिस इज द राइट आंसर ये पैरा नंबर वन में यही एक्सप्लेन किया गया है वन और टू में इनर कॉन्फ्लिक्ट डी देर आर नो थ्रेट रीडर इनल थाउट पूछूंगा ना बट अभी एक बार पहले नोट कर लो सुन लो और एक बार नोट कर लो वन का आंसर इज थ्री एक मिनट दो One car three. Okay, it's not okay. Anyone please confirm? Am I audible? कंफर्म right करो तो यस ओकेट लुक एड क्वेश्चन नंबर टू वॉट अकॉर्डिंग टू द ऑथर वुड क्वालिफाई एज इंटरेस्टिंग साइकोलॉजी नाव अगेन ध्यान से देखो तुम्हारे हिसाब से नहीं पूछ रहा है अकॉर्डिंग टू द ऑथर अपने मन से नहीं बताना ऑथर किसको इंटरेस्टिंग साइकोलॉजी बताया है तो याद करो ऑथर इंटरेस्टिंग किसको बता रहा था जहां इनर कॉन्फ्लिक्ट होना इंटरेस्टिंग साइकोलॉजी ऑथर किसको बताया है? क्वेश्चन नंबर टू का मैं यहाँ पर एक लॉजिक दे रहा हूं जहां पर इनर कॉन्फ्लिक्ट हो उसको बताया है एडवर्सरी एक्टिव एक्टिव हो हो एडवर्सरी मतलब अपोनेंट जो है वो भी कुछ गड़बड़ कर रहा है है ना इन सब चीजों को इनर इंटरेस्टिंग uh, बताया है ऑप्शन में देखते हैं ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम एंड हाँ एक और चीज नॉट टू फॉरगेट इन को इंटरेस्टिंग बताया है तुम तो लोग देखना अगर जाके अभी डाउट लग रहा है तो तीन चीजों को इंटरेस्टिंग बताया इनर कॉन्फ्लिक्ट एक्टिव एडवर्सरी एंड इरैशनलिटी तो इंटरेस्टिंग किसको कहेंगे ऑप्शन में से ओके ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम दिस इज अ रैशनल प्रॉब्लम हेंस नॉट द आंसर ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम इज अ रैशनल प्रॉब्लम ओके लेट्स सी डिफेंसिव स्ट्रेटजी अगेंस्ट अग्रेसिव ओपोनेंट ओपोनेंट यहां एडवर्सरी जो है एक्टिव है इसमें गाइस ध्यान से समझो एडवर्सरी एक्टिव है होल्ड करो इसको 3 माउंट एवरेस्ट यार ये रैशनल प्रॉब्लम है मनी रेजिंग फ्रॉम द मार्केट अगेन रैशनल प्रॉब्लम है टू का आंसर इज टू राशनल मीन लॉजिकल फॉलोइंग लॉजिक पैराग्राफ में दिया था ना रैशनलिटी वाला तुषार एक बार देखो तो वहां क्या लिखा है लेट्स गोड द पैराग्राफ यह देखो तो लास्ट लाइन एक्सेप्ट टू द एक्सटेंड दैट इट कंडक्ट इपार्ट फ्रॉम रैशनल नॉम्स मतलब लॉजिकल नहीं रहे तभी इंटरेस्टिंग है अगर प्योरली लॉजिकल खेलेंगे ना तो ड्रॉ ही होगा जैसे चेस का मैच है हमेशा लॉजिकल खेलोगे तो ड्रॉ हो जाएगा टिक टू है हमेशा लॉजिकल खेलोगे तो ड्रॉ हो जाएगा अगर रिस्क लोगे या ट्रैप करने का कोशिश करोगे कुछ दिमाग लगाओगे इेशनैलिटी बिहेव करोगे तो इंटरेस्टिंग हो जाता है ऑथर का यह मानना है नाउ इज दिस क्लियर लेट्स लुक एट क्वेश्चन नंबर थ्री Anyways, guys, देखो प्रॉब्लम सॉल्विंग पे अभी बहुत ज़्यादा वो नहीं सोचना है है ना अभी मेन पार्ट इज की uh, कैसे अप्रोच पे ज्यादा ध्यान देना है है तुमको ना And बहुत सारी रीडिंग करनी है ठीक है प्रॉब्लम सॉल्विंग क्लासेस तो बहुत होंगी एंड मल्टीपल लेवल्स पे होंगी ट्राई टू अंडरस्टैंड रीडिंग पार्ट मोर अकॉर्डिंग टू द्लिक ये डायरेक्ट uh, है ऑल ऑफ देंशन थ्री का आंसर इज फोर क्योंकि ये सारे मैंशन है ये पैराग्राफ नंबर वन में ही कि सबका प्रेफरेंस अलग है कभी कभी कॉन्फ्लिक्ट होता है ये नहीं मानना कि कंप्लीट एग्रीमेंट या डिसएग्रीमेंट है क्योंकि लिखा है वहां पर तुम जाके देखोगे कि कभी कभी पार्शियल भी होता है एग्रीमेंट डिसएग्रीमेंट तो थर्ड four. का आंसर इज फोर फोर्थ हाउ इज साइंटिस्ट का थिंकिंग डिफरेंट फ्रॉम डिटेक्टिव ये ना पैसेज में दिया हुआ है कि पैसेज में अगर तुम जान जाके देखो एनिमेट इन एनिमेट इज नॉट द पॉइंट जहां साइंटिस्ट वाला दिया हुआ है ना एक्टिव इन एक्टिव इज द पॉइंट तो ये नहीं है पॉइंट नोन अनोन इज नॉट द पॉइंट तुम जाके पढ़ के देखना मैं दिखा भी दूंगा एक बार ऑल्टर्ड एंड मिसलीड ये हो सकता है एडल्ट साइकोलॉजिकली इंटरेस्टिंग साइंटिस्ट नो तो देखो तीनों में ना कॉमेंट किया है ए वन और फोर का कॉमेंट गलत है नॉट एक्टिवली ऑल्टर्ड ये करेक्ट है तो हैंस फोर्थ का आंसर थ्री है आपको ना अमंग ऑप्शन देखना पड़ता है कि कौन सा वाला पैसेज में दिया हुआ है दैट इज द गेम ओवरऑल मैं जाके दिखाता हूं तुमको देखो यहां पर देखो साइंस कहा लिखा हुआ है नेचर में क्या के बारे में क्या लिखा हुआ है साइंटिस्ट नेचर uh, में एडवर्सरी रिमेन्स पैसिव लाइक नेचर देखो यहां पर जिसको साइंटिस्ट डिडक्शन यानी लॉजिक अप्लाई करके uh, उसको अनकवर करता है राइट right? तो ये जो पॉइंट है ना ये कहना क्या चाह रहा है कि साइंटिस्ट uh, जो है वो लॉजिकल या पैसिव एडवर्सरी से डील करता है और बाकी जो है डिटेक्टिव वो एक्टिव एडवर्सरी से डिटेक्ट करता है तो देखो ऑप्शन थ्री ही केवल एक्टिव पैसिव का बात कर रहा है समझ में आई बात नाउ आई विल टेक योर रिस्पॉन्सेज एवरी वन किसको किसको एक लेवल समझ में आ गया इट लिखो अगर आ गया और अगर कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन का ऑप्शन में डाउट लग रहा है अभी तो पूछो नहीं तो आई सजेस्ट कि एक बार फिर से आरसी को एक बार रीडू कर लेना एक दो दिन के बाद अभी मेन इंपॉर्टेंट आज का टारगेट वॉज रीडिंग बट स्टिल एनी डाउट ऑन फ्रंट तो बताओ नीलम okay, इट ओके वेरी गुड और लोग बताओ आकांक्षा तुषार आकांक्षा इट ओके रिक्वेस्ट एक बार ना गए दो तीन दिन के गैप के बाद ना ये आरसी फिर से करना ठीक है उससे क्या होगा ना इसलिए नहीं क्वेश्चन याद आ जाएगा राइट तुषार आई आई एम रिपीटिंग दिस टू एवरी वन ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस ठीक है एक मिनट रुको देखो होता क्या है ना कई बार अपन जब फिर से रिवाइज करते हैं ना आरसी तो लगता है कि याद आ गया आंसर इसमें तो बच्चे बोलते हैं कि सर ये तो फिर से पढ़ते तो याद आ जाता है बट देन एक बार रिवाइज करने में प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि ये भी तो याद आता है कि क्या सोचे थे लॉजिक भी तो याद आता है कि कैसे रीड किए थे कैसे एलिमिनेट किए थे इसीलिए वन शुड हैपन आइडियली ना जब भी तुम्हारी आर सी क्लास होती है ना रिवाइज वंस आफ्टर एटलीस्ट मतलब टू थ्री डेज के गैप के बाद एक बार रिवाइज जरूर करना ठीक एंड रेगुलर रीडिंग करो जैसा कि मैंने आज डिस्कस uh, किया है आई होप फर्स्ट लेवल यू एंजॉयड द क्लास एंड यू विल स्टार्ट डूइंग रीडिंग ऑन अ रेगुलर बेसिस है ना? आई सी यू अगेन इन द नेक्स्ट सेशन देन। थैंक यू वेरी मच गाइज आई एंजॉयड आई होप यू डिड टू बाय बाय